Hey, what's up, guys? This is Akash and you are watching Byte Vita. So, guys, उड़ती हुई खबरें आ रही हैं Apple Watch 6 को लेकर कि इसकी लॉन्चिंग शायद से iPhone 12 के साथ ही 2020 के एंड में होगी. तो इस बार हमारे पास काफी कुछ सुनने को है कि हाउ दिस स्मार्ट वॉच कुड रन. जस्ट बिकॉज जून 22 को एप्पल अपने WWDC यानी कि वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस में वॉच OS 7 से पर्दा हटा सकता है. हालांकि वॉच OS 7 कई पुराने वॉचेस के लिए भी आएगा, सो इसे वॉच 6 को ध्यान में रखकर ही बनाया गया होगा. तो शायद से हमको इस कॉन्फ्रेंस से न्यू OS के थ्रू वॉच 6 के न्यू फीचर्स का पता चल सकता है. एंड जैसा कि हम जानते हैं कि एप्पल पहले की तरह अपने सारे नए मॉडल को सितंबर में ही लॉन्च करता आया है, तो जब तक कोई डेट फिक्स नहीं हो जाती तब तक हम इस बात से कॉन्फिडेंट हैं कि ये इस साल भी सितंबर 8 या 15 में ही लॉन्च होगा. अब अगर मैं बात करूँ इसके डिस्प्ले एंड डिज़ाइन की, तो भैया हम तो पहले से ही काफ़ी अफवाहें सुन रहे हैं कि इसका डिस्प्ले OLED से MicroLED पे स्विच हो सकता है. इसके पीछे एक सीधा सा फंडा यह है कि MicroLED डिस्प्ले बाकी डिस्प्ले से ज़्यादा पावर एफिशिएंट होता है, क्योंकि वर्जन 4 की बैटरी वर्जन 5 से बेटर थी. तो वॉच 6 के डिस्प्ले को ऑलवेज ऑन फीचर देने के लिए MicroLED डिस्प्ले देना एक बेटर डिसीजन हो सकता है. सो एक बात तो पक्की है कि वॉच 6 की बैटरी लाइफ अब पहले से ज़्यादा ही बेटर होगी. और लुक्स की माने तो फेमसली का जॉन प्रोसर के अकॉर्डिंग इसका लुक्स वॉच 4 से मिलता जुलता ही होगा. फिलहाल अभी तक वॉच में कोई भी बायोमेट्रिक सिक्योरिटी देखने को नहीं मिली है, तो शायद इस बार ये लोग इसके डिस्प्ले पे कुछ टच ID फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह लगा सकते हैं. ये फीचर वॉच में तो काफ़ी कूल लगेगा. लीक से पता चलता है कि सीरीज 6 में स्लीप ट्रैकिंग, टैचीमीटर जैसे फीचर के साथ साथ ब्लड ऑक्सीजन लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम भी दिया जा सकता है. लीकर प्रोसेसर की प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग ब्लड ऑक्सीजन ट्रैकिंग सिस्टम एंड हार्ट रेट मॉनिटरिंग सिस्टम को कंबाइन करके एक ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है जो ये बताने में कैपेबल होगा कि वॉच यूज़ करने वाले को हाइपर वेंटिलेटिंग कब होने वाला है, और उस मूवमेंट को बेटर तरीके से हैंडल करने में वॉच यूज़र को इंस्ट्रक्शन भी दे सकेगी. नो डाउट एप्पल वॉच एक बेटर हेल्थ एंड एक्सरसाइज डिवाइस है, बट वॉच 4 के बाद यूजर को डिसअपॉइंटमेंट तब हुई जब कंपनी ने वॉच 5 के लिए कोई भी नया फिटनेस फीचर ऐड नहीं किया. होप सो दिस टाइम दे विल ऐड सम न्यू फिटनेस फीचर. साथ ही साथ अपकमिंग वॉच 6 में हम बेटर वाटर रेजिस्टेंस एंड वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ साथ बेटर जनरल परफॉर्मेंस की भी उम्मीद कर सकते हैं. एट दी एंड अब हम आते हैं इसके प्राइस पे. तो इसका प्राइस कम से कम एप्पल वॉच 5 जितना होने की उम्मीद तो है, जिसका स्टार्टिंग प्राइस करीब $399 था. So guys, this is enough for this video. If you find this video is useful for you, so please like and share this video and don't forget to subscribe this channel.